और ये जो है हमारे मेंटोर हैं आसिफ भट्ट साहब, इनको कौन नहीं जानता है लाइफ में, इन्होंने बड़ी बड़ी अचीवमेंट दी है। तो आप सुबह सुबह ही वर्कआउट शुरू कर देती हैं? सुबह सुबह सबसे ज्यादा एनर्जी होती है, क्योंकि सुबह सुबह जो आप एक तो अपने आप को चीट भी करते हैं, बिकॉज आप अपने माइंड को बोलते हैं कुछ और सोचने से पहले अपने आप को टफ टाइम दे दो, फिर सारा दिन आपको आसान लगेगा। सना के फिटनेस ट्रेनर आसिफ भट्ट ने उन्हें स्पेशल एक्सरसाइजेस करवाई। एक्सरसाइज करनी चाहिए, वरना ये कोई इंटरेस्टिंग चीज़ नहीं है, इसको इंटरेस्टिंग बनाना पड़ता है। बहुत बोरिंग होती है वैसे, बाय द वे, एक्सरसाइज मुझे सब ये कहते हैं कि इतने मज़े से कैसे करते हैं, मैं कहती हूँ ये क्रिएट करनी पड़ती है थॉट कि आप इंजॉय कर रहे हैं। आप कुछ जब जाते हैं ना जिम, तो लोग बड़े वैसे ऐसे जाते हैं जैसे नींद में जा रहे हैं, पजामा पहन के जाके बस डेड बॉडी गिर जाएगी। सो अगर जिसने भी एक्सरसाइज रूटीन अपनानी है, सबसे पहले तो अपने माइंड को चेंज करें, फिर उसके बाद बॉडी चेंज होगी। 10 ट्रेनिंग के बाद सना से फिट गपशप भी हुई। सना इतनी टफ एक्सरसाइज करती हैं आप, आपको देख के तो मेरी कैलोरीज बर्न होती रही हैं साइड पे बैठे। जबरदस्त, ये अगर ऐसा हो जाए तो ये मेरे ख्याल में बहुत ही आसान काम है कि अगर कोई टफ एक्सरसाइज। खैर ये तो ट्रेलर था, इतनी टफ नहीं थी, आपने भी टफ देख ही रही है। बट सब आप सना के ट्रेनर हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो मोस्ट फिटेस्ट लेडी इनको कैसे बनाया आपने? सना फ़खर जिस वजह से मुझे पसंद हैं, जिन मैं इनकी पर्सनैलिटी का इतना बड़ा एडमायरर हूँ, ये इतने खूबसूरत मिजाज की और इतने आला इखलाक की खातून है कि मैं आपको बता नहीं सकता। मुझसे मेरी फीमेल्स जो स्टूडेंट्स हैं वो पूछती हैं कि जी हमें सना फ़खर जैसा बना दें, वो क्या करती हैं? मैंने कहा सना फ़खर वो है, वो एक जुनून है, वो एक कैफियत का नाम है कि जैसे वो लंदन देखें जी, लंदन में चली जाएँ, US चली जाएँ, किसी शूट में चली जाएँ, इनका पहला स्टेटस आप देखेंगे इनके इंस्टाग्राम के ऊपर कि ये जनाब बैग पहना हुआ पीछे और ये वॉक पे जा रही हैं, लेक पे चली गई हैं। ये सर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लोग बाहर जाते हैं सबसे पहले देखते हैं यहाँ रेस्टोरेंट कौन सा अच्छा है या शॉपिंग मॉल कौन सा अच्छा है, मैं देखती हूँ जिम किधर है और कोई एक्सरसाइज की जगह कहाँ है। शी इज़ अमेजिंग, मैं आपको बड़े दावे से एक बात कर रहा हूँ आपको, सना फ़खर जो है ये ना लॉलीवुड ना बॉलीवुड, ये है हॉलीवुड की बॉडी। सिक्स पैक पूरे बरे सगीर में ये वाहिद सेलिब्रिटी है जिसके सिक्स पैक हैं, ये हमारा पीस ऑफ आर्ट है। थैंक यू सो मच। ये आपकी इतनी तलवार मार का मूंछों का क्या राज है? ये ठाकुर साहब हैं यहाँ के और हीरो है यहाँ के। बट साहब सना के जो फ्यूचर के फिटनेस प्लान्स हैं वो क्या है? अभी ये हम इनको जो है ना वो ट्रेनिंग दे रहे हैं मिक्स मार्शल आर्ट्स की, द मोस्ट लीथल कॉम्बैट इन द वर्ल्ड, द मोस्ट फास्ट ग्रोइंग स्पोर्ट्स। तो अभी जो है ये बहुत नेक्स्ट लेवल पे जाने वाली हैं, आप आइंदा भी इनको देखेंगे मजीद मुश्किल चीज़ों में, मजीद मुश्किल एंगल्स में, मजीद मुश्किल एक्सरसाइजेज में। और सना फ़खर जो हैं ये आसिफ भट्ट का नहीं, ये पूरे पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री और पाकिस्तान के माथे का झूमर है। सना सबसे पहले तो ये बताएं कि उस सना को कहाँ छुपा दिया है जिसे हम कुछ अर्सा पहले फिल्मों में देखा करते थे? देखिए वो जो जिस सना को लोग जानते थे वो वाकई छुपी हुई थी, अब ये जो सामने आई है
उसको थैंक यू बोलती हूँ, ताकि अगर वो थी तो आज मैं ये ट्रांसफॉर्म हुई हूँ ना। मेरे ख्याल में हर शख्स को ज़िंदगी में टाइम के साथ इवॉल्व होना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। मुझे 2 decade हो गए हैं काम करते हुए, ऑलमोस्ट 2 decade आई एम वर्किंग इन दिस इंडस्ट्री, लेकिन मुझे आज के यंगस्टर भी जानते हैं द रीज़न वाई वी हैव टू इवॉल्व। हम जिंदगी में आगे बढ़ते हैं तो तब हम मिक्स एंड मैच करते हैं, अदरवाइज आप आउटडेटेड हो जाते हैं, आप लाइफ में कहीं पीछे रह जाते हैं। यू हैव टू कम अलॉन्ग विद एवरी थिंग विच एक्चुअली गोइंग ऑन। जब आप मॉडलिंग किया करती थी, फिल्मों में आती थी, तो आप फेमिनिश ब्यूटी का एक मुजस्मा थी, तो उस वक्त आपको देख के कतन ऐसा नहीं लगता था कि आप बाइक राइडिंग भी कर रही होंगी, आप मार्शल आर्ट की माहिर भी होंगी। मैं 11 साल की उम्र से बाइकिंग भी कर रही हूँ, लेकिन क्योंकि सोशल मीडिया वॉज नॉट सो एक्टिव, ऑनेस्टली आई ऑलवेज बीन लाइक दिस। आज जब मेरे सेट पर जब जाएंगे तो आप मुझे वो वाली लुक में भी देखेंगे, जो एक प्रॉपर एक जो एक ग्लैमरस होना चाहिए एक एक्ट्रेस को, वो आप लोग देखेंगे। किस एज में आपको लगा कि आप इतनी बड़ी स्टार बन सकती हैं? मुझे चैलेंज एक्सेप्ट करने का बहुत मतलब मज़ा आता है। मुझे कोई ये बोले ना कि ये नहीं कर सकता, एंड आई कैन बी द बेस्ट पर्सन फॉर दैट मैटर। अगर कोई चीज़ मैं मुझे बोल दे नहीं कर सकता, वही मैं करके आपको दिखाऊंगी। आई एम सॉर्ट ऑफ अ पर्सन, यानी आपसे जो काम करवाना हो उसके लिए पहले आपको रोक दिया जाए, गुस्सा दिलाया जाए मुझे गुस्सा दिलाया जाए कि तुम नहीं कर सकती, नो सॉरी तुम्हारे बस की बात नहीं। मैं कहूंगी अच्छा, नाउ आई हैव टू शो यू बिकॉज़ द पिक्चर इज मोर बिगर देन योर वर्ड्स। तो अगर कोई ऐसी बात मुझे ना पसंद आई तो आपको पता है मेरी किक भी बहुत अच्छी है। जिस जमाने में आपने मूवीज में काम शुरू किया, तो उस जमाने में जो फिल्मी जोड़ियां थी वो बड़ी हिट थी, जैसे रीमा और शान की थी, जवेद शेख और नीली की थी, तो आपकी जोड़ी किसी से क्यों ना बन सकी? क्योंकि आई डोंट लाइक टू बी लेबल्ड, आई वॉन्ट लेगसी। कोई ग्रुप बनाने की ज़रूरत नहीं है या जोड़ी बनाने की, और वैसे भी ये सब चीज़ें उन्होंने एक्टरों ने खुद नहीं बनाई। ममराना के साथ बहुत अच्छी मेरी जोड़ी रही जो लोगों के हिसाब से, तो मैं अपनी पर्सनैलिटी को भी अपने बॉक्स में बंद नहीं कर सकती। लड़की मैरिड हो जाए ना, कहते नहीं नहीं अब वो ख़त्म हो गया, फिर वो शादी हो गई ना उसकी। जब मैंने शादी की तो उसके फ़ौरन बाद लोग कहते थे अभी आप ये प्रोजेक्ट करेंगी, आप तो शादी हो गई ना आपकी। मैंने कहा शादी हो गई, फोड़े निकल आए क्या हुआ है, सींग निकल आए क्या हो गया, शादी हुई है ना तो सींग तो नहीं निकल आए। अब मैं आपको लेकर चलती हूँ एक और जो मेरा टाइटल है, दैट्स आई एम अ बाइकर, और मैं उसके लिए मुझे थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, चेंज करके फिर निकलते हैं। सना, आप जो आपकी फिल्में थी उनमें कुछ फिल्मों में आप बोल्ड सीन भी शूट करवाती थी, तो क्या उनको देख के आपके जो ससुराली हैं या घर वाले वो उस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं करते थे? देखिए पहली बात है, मैं एक प्रोफेशनल एक्टर हूँ, ठीक है, और जो काम मेरा जिससे मैं मुंसलिक हूँ मैं अब भी कर रही हूँ, और मेरे जो इन लॉज हैं वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं, वो मेरे काम की भी रिस्पेक्ट करते हैं, तो आई थिंक बोल्ड मेरे नज़र में पहनना ओढ़ना नहीं होता, और बहुत कुछ है जो आप नॉर्मल सोशल मीडिया पे देख रहे हैं। आज अब जो सेट पे जाएंगे मेरे साथ आप देखेंगे, वो एक जो गाना मैं शूट करूँ बहुत ही ग्लैमरस है, अल्ट्रा ग्लैमरस, हालांकि नॉर्मली मैं उस तरह के कपड़े नहीं पहनती और ना ही मैं उस तरह की परफॉर्म करती हूँ, बिकॉज मेरा कैरेक्टर ऐसा है, उसके लिए मुझे उस तरह का एवटार चाहिए, एंड दे अंडरस्टैंड माई प्रोफेशन।